हेलो साथियों, अशोका ज्ञान गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आपको बड़ी खुशी हुई होगी, आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जारी की गई है, यानी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आप देख रहे हो, उसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं अशोका ज्ञान गुरु चैनल के माध्यम से पूरा विवरण विस्तृत से, फर्स्ट ग्रेड भर्ती में क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस किस तरीके से सिलेबस उसका निर्धारित किया गया है और क्या क्या सिलेबस में होगा और कब एग्जाम होने की संभावना है और किस किस तरीके से जो पहला एग्जाम है और जो दूसरा एग्जाम है उसमें जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबरों को डिवाइड किया गया है और कितने कितने प्रश्न जो हैं दोनों एग्जाम में आने की संभावना है। तो जल्दी से आप अशोका ज्ञान गुरु चैनल के माध्यम से देखिए इस सूचना को और समझिए, जो आपके लिए आगामी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा जो विज्ञापन है यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने विज्ञापन की दिनांक को यहाँ पर देखा गया है 25/10/2024, यानी हमारा विज्ञापन जो है 25 तारीख को, यानी कल ही की डेट में ये विज्ञापन शुरू हुआ है। तो इसमें 24 विषय के कुल 2202 पदों पर वैकेंसियां आरपीएससी ने निकाली है, यानी टोटल यहां पर वैकेंसियों के जो विषय हैं वो कितने हैं साथियों, 24 विषय हैं और 2202 वैकेंसियां हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी किस विषय की है अगर हम बात करें तो यहां पर हिंदी विषय की सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं, यानी 350 वैकेंसियां हिंदी विषय की है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हिंदी विषय की 350 वैकेंसियां हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसियां यहाँ पर हिंदी की ही नजर आ रही हैं, यानी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है और आप जुड़ जाइए जल्दी से तैयारी में। चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं। इंग्लिश विषय की जो वैकेंसियां हैं वो प्यारे बच्चों 325 है, यानी सभी कैटेगरी की मिलाकर यहाँ पर 325 वैकेंसियां हैं। और संस्कृत की प्यारे बच्चों कम ही वैकेंसियां दी आरपीएससी ने, केवल 64 वैकेंसियां ही यहाँ पर संस्कृत की जो है विज्ञापन में दिखाई गई है। चलिए आगे बात करते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो संस्कृत के बाद राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, इसके बाद हमारा काम का विषय आ जाता है हिस्ट्री में 90 पद हैं, पॉलिटिकल साइंस में फिर इंग्लिश के बाद जो पद अच्छे पदों का यहाँ पर सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस जो है यहाँ पर दिखाया गया है, 225 पद है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के। और फिर ज्योग्राफी जिसके पद हर बार ज्यादा से ज्यादा आते हैं, अब की बार ज्योग्राफी के पद कम हैं, 210 पद ही हैं, बाकी हिंदी के जो पद हैं वो ज्योग्राफी से ज्यादा है, इंग्लिश के भी ज्यादा है, यानी लैंग्वेज की भर्ती हम इसे कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फर्स्ट ग्रेड लैंग्वेज पर आधारित भर्ती ये जो है बनाई जा रही है। अब आगे हम करते हैं अगले विषय की बात, यहाँ पर देख रहे हैं ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स की देखते हैं, यहाँ पर 35 सीटें हैं, सोशियोलॉजी की 16 सीटें हैं, होम साइंस 16 और केमिस्ट्री के भी पद यहाँ पर 36 ही है, यानी साइंस वाले तो बेचारे परेशान ही होंगे, 36 पदों के लिए लड़ना है फिर भी हमें हार नहीं मान रही है। जिसकी सबसे अच्छी तैयारी होगी साथियों उसका नंबर आएगा। तो आगे चलते हैं हम केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर अगले विषय को लेते हैं। फिजिक्स के यहाँ पर ठीक ठाक पद हैं, केमिस्ट्री से तो ज़्यादा ही पद हैं, 147 पद हैं, मैथ्स के 153 पद हैं और बायोलॉजी के फिर से कम हो गए, 67 पद हो गए। कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत अच्छे यहाँ पर चांस है, 340 पद हैं कॉमर्स वालों के लिए, यानी हिंदी से भी ज़्यादा जो पद हो गए यहाँ पर कॉमर्स के हो गए, हिंदी से भी ज़्यादा पद कॉमर्स के, सबसे ज़्यादा कॉमर्स के प्यारे बच्चों अभी तक, और फिर हिंदी के और फिर इंग्लिश के। आगे चलते हम, ड्राइंग के पद हैं यहाँ पर 35 पद हैं ड्राइंग के, और ये लेकिन म्यूजिक के 6 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन के 37 पद हैं और यहाँ पर कोच का 1 है, कोच खो खो, ये सब कोच से संबंधित हैं। और आगे देखते हैं हम, 24 विषय हमारे पूरे हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पदों का विवरण है उसको दिया गया है, ये कोई हमारे ज़्यादा स्पेशली काम का नहीं है, तो पद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आगे चलते हम, यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा जो है
यहाँ पर 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा कितने 21 वर्ष, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 40 वर्ष। यानी 40 वर्ष जनरल में, अगर आप 40 वर्ष के हो चुके हो तो एलिजिबल नहीं हो। कैटेगरी वाइज जो छूट दी गई है वो अभी आपको हम बताएंगे। बाकी न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। इसके बाद यहाँ पर शैक्षिक अर्हता को पता ही होगा आपको, यहाँ पर शैक्षिक अर्हता जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, एमकॉम प्लस बीएड आपकी जो है शैक्षिक अर्हता को यहाँ पर बताया गया है। और ये छूट तो जो कैटेगरी वाइज छूट दी गई है 5 वर्ष, सबसे पहले हम देख रहे हैं 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, और उसके बाद 10 वर्ष की छूट दी गई है अनुसूचित जनजाति, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला 5 वर्ष की छूट है, और महिला यानी सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है, और परित्यक्ता की अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद चलते हैं हम अगले इसके कंसेप्ट पर। इसके बाद हमारी काम की बात आ जाती है। परीक्षा का स्थान है महा, परीक्षा स्थान तिथि के संबंध में अभी कोई यहाँ पर देखिए कोई गाइडलाइन आरपीएससी ने जारी नहीं की है। उसने साफ साफ लिखा है चयन प्रक्रिया में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकन में, यानी आवश्यकता अगर पड़ी बोर्ड को अगर लगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, पहले से ही नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा ऐसा कुछ यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन कोई भी एग्जाम अगर होता है सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का, तो प्यारे साथियों नॉर्मलाइजेशन तो आज सब में होना ही लग गया, तो नॉर्मलाइजेशन भी जरूर ही होगा इसमें। इसके बाद परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में कोई यहाँ पर सूचना जो है निर्धारित नहीं की गई है, तो हम आपको बता देते हैं परीक्षा की तिथि जो है मई और जून, मई और जून में से एक में जरूर होगी प्यारे बच्चों। तो आपके पास 6 से 7 महीने जो है यहाँ पर अध्ययन करने के हैं, तो आप जुट जाइए अभी से बस दीपावली मनाकर, और आपको 6 महीने से ज़्यादा आरपीएससी समय नहीं देगी। बिल्कुल अफवाहों से बचे कि 1 साल बाद एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आरपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें बदलाव किया जा सकता है, विभिन्न एजेंसियों ने अपने कैलेंडर में बदलाव करके नई एग्जाम तिथि को इंक्लूड किया है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, 6 महीने तो आपको एग्जाम के देगी आरपीएससी। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आवेदन की अवधि जो है वो 5/11 यानी दीपावली की छुट्टियों के बाद जस्ट ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 5 नवंबर को, और 1 महीना पूरा पूरा यहाँ पर आपको आवेदन करने का दिया है सरकार ने, आरपीएससी ने 5/11/2024 से 4/12/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगले पैटर्न पे चलते हैं, ये लीजिए टोटल मार्क्स क्या होगा, कितने होंगे। एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो 150 अंक का होगा और सेकंड पेपर जो है वो 300 अंक का होगा। फर्स्ट पेपर में 150 नंबर के जो है 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन, और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और ऐसे करके यहाँ पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और नेगेटिव मार्किंग सेल भी फॉर एवरी आंसर 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो पहले के अकॉर्डिंग हर एग्जाम में हो रही है। आगे चलते हैं हम अगले यहाँ पर, पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा अब बात कर लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये देखिए बात, अभी सिलेबस को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत समय से एक बात विद्यार्थियों को सभी साथियों को परेशान कर रही थी कि भाई फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या होगा, साइकोलॉजी का क्या होगा, मैनेजमेंट का क्या होगा, तो क्लियर कर दिया है आरपीएससी ने। ये देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले पेपर में फर्स्ट पेपर जर्नल स्टडीज का होगा, जर्नल स्टडीज को लेकर पहला पेपर जो है वो यहाँ पर दिया गया है जर्नल स्टडीज।
जर्नल स्टडीज को लेकर यहाँ पर दिया गया है, जिसका 1 ओवर और 30 मिनट का यहाँ पर कॉल ड्यूरेशन होगा। 1 ओवर और 30 मिनट का, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा ये, जिसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस और इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चनों को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे और इसके 5 पार्ट बनाए हैं, तो ज़रूर 15-15 क्वेश्चन के 5 पार्ट ये यहाँ पर बन चुके हैं, 15-15 क्वेश्चन इनके यहाँ पर मिलकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 पार्ट का मतलब टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन और 15-15 हर पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन लिए जाएंगे, इसमें सोचने की बात ही नहीं है प्यारे बच्चों। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, इनसे लिया जाएंगे 15 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी, स्टेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी इंग्लिश, इनसे भी 15 क्वेश्चन यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट से आगे रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज दोनों। करंट अफेयर्स से भी 15 क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे, जर्नल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से भी 15 क्वेश्चन लिए जाएंगे और फिर यहाँ पर 5वें पार्ट में एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन राजस्थान, राइट टू चिल्ड्रन फ्री या कंपलसरी एक्ट RT 2009, ये 5वां पार्ट यहाँ पर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पेपर को लेकर जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहे थे, RPSC ने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सरकार ने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फर्स्ट एड की भर्ती का पहला पेपर जो बहुत ज़्यादा अफवाहों का शिकार हो रहा था, आज उसको क्लियर कर चुकी है RPSC, तो हमने आपको बता दिया है। ये 75 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे चलते हैं। सेकेंड पेपर में आप देख रहे हो, सेकेंड पेपर में नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और यहाँ पर 4थे पार्ट में जहाँ साइकोलॉजी होता था, ये तो तीनों लेवल पे सब्जेक्ट आएगा, सीनियर यानी 12th और ग्रेजुएशन यानी BA, BSc, BCom और ये MA, तीनों लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टोटल 3 आवर का ये पेपर होगा। और इसमें हम देख रहे हैं पेडालोजी, ये नहीं थी पहले पेडालोजी, तो पेडागोजी जो है यहाँ पर लागू कर दी गई है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये आ गया है और यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, ये यहाँ पर 4था पार्ट जो है सब्जेक्ट में नया जोड़ा है, यानी साइकोलॉजी को हटा के पेडालोजी विषय से संबंधित, जिस भी विषय को आप पढ़ोगे उससे संबंधित जो पेडालोजी है वो आपको अध्ययन करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो एक साइकोलॉजी का ये पार्ट समझ लीजिए पेडालोजी शिक्षा शास्त्र, यहाँ पर विधियों से संबंधित जो है प्रश्न डाल दिए गए हैं, तो सेकंड पेपर में साइकोलॉजी हटाकर पेडालोजी आ गई है, जो साइकोलॉजी का ही एक पार्ट माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पर आगे देखते हैं, हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं हम और इसमें अगले कंसेप्ट पे आता है जर्नल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये तो हो ही गया, स्कीम ऑफ सिलेबस, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी कर दिया गया है, द मिनिमम क्वालिफाई नंबर ईच पेपर, ये भी बहुत बड़ा एक यहाँ पर कंफ्यूजन चल रहा था बहुत सारे हमारे साथियों के बीच कि सर दोनों पेपर में 40% अंक चाहिए या एक पेपर में 40% चाहिए, तो क्लियर कर दिया है सेकंड ग्रेड में दोनों पेपर में मिलाकर आपको 40% अंक लाने हैं मिनिमम मार्क्स। अगर आपके मिनिमम मार्क्स 40% से कम आते हैं और आप फाइनल मेरिट में चले जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, 40% से ऊपर नंबर आने चाहिए, 40% से नीचे सीट जो है वो खाली छोड़ दी जाएगी लेकिन भर्ती नहीं किया जाएगा, यानी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। केवल सेकंड ग्रेड का है ये, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को मिलाकर 40% अंक आने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में साफ साफ लिख दिया है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ईच पेपर, क्लियर हो चुका है ये, दोनों पेपरों में 40-40% जो है वो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है उसको।
रिलैक्स भाई, 5% कैंडिडेट्स बिलोंग द शेड्यूल एरिया, एससी वालों को, मतलब उनकी कैटेगरी के हिसाब से 5% की छूट दी गई है। चलिए ये भी क्लियर होता है। 40% का लफड़ा भी दोनों पेपर में आपको 40-40% जो है लेने पड़ेंगे। यानी फर्स्ट पेपर की बात करें हम, तो यहाँ पर 75 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 75 का 40% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 30% आपको सही करने ही करने पड़ेंगे। अगर मिनिमम नंबर पर भी क्वालिफाई होता है एग्जाम, तो 30% और 150 का 40% कितना हो गया, 60%। यानी 60% इसमें सही करने हैं और 30% इसमें सही करने हैं। कई बार कई विषय ऐसे हैं जिनमें मिनिमम मार्क्स से पिछली बार बच्चे का जो है सिलेक्शन हो गया था, यानी इसमें अच्छे नंबर आ गए थे बच्चों के, इसमें 30 नंबर से नीचे क्वेश्चन सही थे, 30 क्वेश्चन से, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर आपको बता दें, दोनों पेपर ही आपके क्वालिफाई हैं, 40% दोनों पेपर में आपके नंबर आने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट सारे जान लिए हैं, किस किस पेपर में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये सब सूचनाएं आपके यहाँ पर भर्ती में बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो बस इससे संबंधित और कोई यहाँ पर आपके लायक कोई सूचना नहीं है। तो प्यारे साथियों, जुट जाइए, मौका है आपके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। ये मत सोचिए कि वैकेंसी कितनी है, ये सोचिए कि हमें तो सीट एक ही चाहिए, यानी एक सीट के लिए लड़ना है हमें। चाहे वैकेंसी 10,000 हो, तब भी आपको उतनी मेहनत करनी है एक सीट के लिए, और चाहे वैकेंसी 320 ही क्यों ना हो, तब भी एक ही सीट के लिए हमें जो है लड़ाई करनी है। तो अपनी लड़ाई को दीपावली के बाद अपनी जंग को शुरू कर दीजिए, और अशोका ज्ञान गुरु चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर उपयोगी सामग्रियों के द्वारा अवगत करवाया जाएगा। तो इसी प्रकार की विशेष सूचनाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए अशोका ज्ञान गुरु चैनल के साथ। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है, हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं से बहुत ही खुश है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।